हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है, लास्ट वार्निंग। ये लास्ट वार्निंग आप लोगों के लिए बच्चों, किसी दूसरे लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ वीडियो। आप लोग मेरे फैमिली हो, मेरे लिए सब कुछ हो, ठीक है। आपको जितनी चिंता आपके लिए नहीं है ना, उससे कहीं ज़्यादा चिंता मुझे आप लोगों के लिए होती है। मैं ये देखता हूँ बेटा, आप लोग अभी भी नहीं पढ़ रहे हो। अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे यार। अभी लास्ट महीना पूरा फेस्टिवल सीजन गया, आपके पास एक्सक्यूजेस थे, आपने नहीं पढ़ाई की। मैंने कहा चलो, मन भटकता रहता है, बच्चे पढ़ लेंगे, आज नहीं तो कल से पढ़ेंगे। अभी वर्ल्ड कप हो रहा था, T20 वर्ल्ड कप, आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारी इंडिया जीत जाएगी। हुआ? जीता? नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? क्योंकि वो अच्छा खेले नहीं, ठीक है। अगर अच्छा खेलोगे नहीं तो वो जीतेंगे नहीं। आपको भी दुख हुआ, मुझे भी दुख हुआ। अब आपकी बारी है। अब आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपको लगता है आपके अच्छे नंबर आएंगे, आप पास हो जाओगे। पास तो चलो गिरते पड़ते हो भी क्या है, तो जो नंबर आप सोच रहे हो मुझे टॉपर बनना है, मुझे 90% लाना है, क्या ये चीज़ हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो बट पढ़ाई करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। हमारे इंडिया की टीम में जितने भी प्लेयर थे सारे आलसी टाइप के हैं, खेलते नहीं है ना, ना अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं, सीरियस नहीं है, बस IPL का पैसा मिल रहा है उसी में वो लगे पड़े हैं, ठीक है। उनको तो IPL मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं आज के बाद इन दोस्तों के साथ कभी नहीं मिलूंगा। 12 साल हो गए उनसे मैं कभी नहीं मिला, उनके घर कभी नहीं गया। जिद बनाई थी खुद के साथ कि मैं टॉपर बन के रहूँगा। साइकिल से जाता था पढ़ने, ठीक है, जितनी भी अड़चने आई रास्ते में सबको भूल गया, बीमार पड़ गया मैं, दुनियादारी में मुसीबतें आई, लेकिन मेरे मन में एक सेल्फ बिलीव था कि अगर मैं इससे डट के लड़ता रहा, मैं पढ़ूंगा तो भगवान ऊपर वाला देख रहा है। अगर आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज मैं रो रहा हूँ, तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आज दुख है तो कल सुख होगा। अगर तुम आज मेहनत कर रहे हो तो यकीन मानो तुम्हारा बेटर फ्यूचर तुम्हारा आगे चलकर इंतज़ार कर रहा है।
अगर आज तुम मजे करोगे तो सजा तुम्हारे इंतजार कर रहा है आगे। तो आप पढ़ो, नहीं पढ़ोगे क्या होगा, मजे करोगे। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी लाइफ ऐसे चलती रहेगी। मम्मी पापा कमा रहे, तुम खा रहे हो। मम्मी पापा तुम्हें कब तक खिलाएंगे? कुछ टाइम बाद तुम्हें मम्मी पापा को खिलाना पड़ेगा। मम्मी पापा के साथ साथ खुद की वाइफ आएगी, उसको खिलाना पड़ेगा। आपके बच्चे होंगे, उनका आपको पढ़ाना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? सोचो जरा, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम में फोड़ना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है। और कुछ बन के दिखाने के लिए मेहनत करनी होगी। आपकी मेहनत के लिए मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। मेरा गला फटा पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर फूला पड़ा है, अंदर से खून निकल रहा है, लेकिन नहीं, मैं फिर भी लगा पड़ा हूँ कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। सबके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, क्लास 9, 10, 11, 12, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सबके लिए। आप लोग पढ़ो, सब कुछ पढ़ा रखा है, मैथ हो, विज्ञान हो, लिंक्स डाल रही है डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं सर मुझे सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, वो पढ़ा रखा है। जो बोलोगे आप, जो हुकुम करोगे वो कर दूंगा। 2 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम है, आपका टाइम टेबल आज से कल में आने वाला है, एक डेढ़ हफ्ते में। कब पढ़ोगे तुम सोचो, टाइम टेबल आ जाएगा तब पढ़ोगे। टाइम टेबल आ जाएगा सोचोगे एग्जाम आने दो, 2 दिन बाद पहले पढ़ लूंगा। टाइम चला जाएगा, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है। और जिस दिन एग्जाम होगा ना, एग्जाम हॉल में जब बैठे रहोगे और जब तुमसे क्वेश्चन नहीं होंगे, तब सोचोगे तुम कि काश पढ़ लेता। और वो टाइम फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। ये मेरे साथ 1 साल हो चुका है, ठीक है। और ये गलती जब तुम टीनेजर होते हो ना, 16-17 साल की जब तुम्हारी उम्र होती है, तुम्हारा मन इन्हीं चीज़ों में भटकता रहता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, और तुम्हें जो गलत चीज़ें ना वो अच्छी लगती हैं। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने भाई की तरह, अपने दोस्त की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। तो समझ जाओ, ठीक है। मैं उस टाइम पे जब पेपर दे रहा था ना, मैं सोच रहा था काश यार उस टाइम पे पढ़ लेता। इतना रोया है ना मैं क्लास 12th के बाद, क्या ही बताऊँ। मैं पास हो गया था, मैं क्लास के टॉपर भी था, लेकिन मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि जो मैं सोचता था वो मुझे नहीं मिला। मेरे सबसे कम नंबर मेरे क्लास 12th में आए हैं, लेकिन उसके आगे या उससे पहले मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ और अच्छे नंबर आए हैं। लेकिन क्लास 12th मेरे अच्छे नंबर नहीं है, मैं सच बताऊँ तो बच्चों। लेकिन उसके बाद मैंने जी जान से मेहनत की, दिन रात पढ़ता था, ट्यूशन पढ़ाता था, खुद पढ़ता था, घर के काम भी करता था, लेकिन मैं खुद से एक जंग लड़ता था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना बेस्ट निकालना है, मुझे इन सबको पछाड़ना है। तो तुम भी अपने मन में चीज़ ठान लोगे ना, तो तुम भी सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल को अगर स्पेलिंग में पढ़ोगे ना, तो आई एम पॉसिबल निकल के आता है, आई एम पॉसिबल। तो सब कुछ पॉसिबल है, बस खुद में एक विश्वास होना चाहिए। और हाँ, मेहनत ज़रूरी है। मेहनत करोगे, खुद में विश्वास रखोगे, जो तुम सोचते हो वो तुम पा सकोगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ बच्चों, प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है। क्लास 10th वालों, क्लास 12th वालों भी, बोर्ड एग्ज़ाम है आप लोगों का, स्पेशली आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़ाई कीजिए। और जो बच्चे क्लास 9th के हैं और जो बच्चे क्लास 11th के हैं, वो भी बेटा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप अगर 9th में हो तो अगले साल आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना, अगर आप 11th में हो तो नेक्स्ट ईयर आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, है नहीं। 11th वाले बच्चे सोचते हैं इस साल तो हम रेस्ट करेंगे। तुम इस साल रेस्ट करोगे ना, अगले साल तुम्हारा वाट लग जाने वाला है। तो रोते रहोगे कि ये कहाँ से हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, कैसे करूँ। 11th अगर अच्छे से ढंग से पढ़ लिए ना, 12th बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। 9th वाले बच्चे मैं बता रहा हूँ बेटा, 9th जितना टफ आपको लग रहा है ना, 10th आपका उतना ही ज़्यादा आसान है। जो 12th वाले बच्चे वो जानते हैं कि 10th आसान है, और जो 11th है उसको 12th टफ लगेगी जब वो पढ़ नहीं रहा है। लेकिन अगर 11th पढ़ के जाएगा ना अच्छे से, तो 12th उसके लिए आसान है। तो मेहनत करो, सब आसान है। जय हिंद।